दोस्तों, आधारभूत परियोजना में अपना लोहा मनवा चुके चीन ने नया कीर्तिमान गढ़ा है। बुधवार को राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत की। दोस्तों, इसका आकार 100 फुटबॉल मैदान जितना है। दोस्तों, विशाल का स्टारफिश मछली जैसा दिखने वाला यह एयरपोर्ट बीजिंग डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थेन आनमन चौक से 46 किलोमीटर दक्षिण में डैक्सिंग जिले और लांगफांग की सीमा पर मौजूद है। दोस्तों, चीन में कम्युनिस्ट शासन के 70 साल पूरे होने से कुछ दिनों पहले इस एयरपोर्ट की शुरुआत को सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट वर्ष 2040 से पूरी क्षमता से चलना शुरू होगा और दोस्तों, इसमें 8 रनवे होंगे। प्रत्येक वर्ष यहां से 10 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। दोस्तों, इस नए एयरपोर्ट का कोड नाम PKX है, जिसे राष्ट्रपति सी के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ सब कुछ ठीक नहीं रहा। इसकी पहली वाणिज्यिक उड़ान 380 सुपर जम्बो जो चीन के दक्षिण में स्थित गुआंगडोंग शहर जा रही थी। दोस्तों, वह लगभग 30 मिनट देरी से गई। पहली उड़ान का लाइव कवरेज करने वाली सरकारी प्रशासनकर्ता CCTV ने देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दोस्तों, यह पूरा एयरपोर्ट 173 एकड़ में फैला है। इसका आकार 100 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। दोस्तों, बता दें आपको, इसकी इमारत को इराकी ब्रिटिश वास्तुकार जहां हदीद ने डिजाइन किया था। उनकी 2016 में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, परियोजना पर 1,24,000 करोड़ रुपए की यानी कि $17.5 बिलियन की लागत आई है। हालांकि दोस्तों, रेल और रोड पर खर्च होने वाले पैसों को मिला लिया जाए तो लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। टर्मिनल के नीचे एक ट्रेन स्टेशन और मेट्रो लाइन है जो कि 20 मिनट में यात्रियों को बीजिंग के केंद्र में पहुंचा देगी। दोस्तों, वास्तुकारों के मुताबिक जब यह अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेगा तो यह दुनिया के एकल टर्मिनल वाला सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बताइए दोस्तों, अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट अभी दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है, जहां पर दोस्तों 10 करोड़ से अधिक यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं, लेकिन यहां 2 टर्मिनल हैं। दोस्तों, मलेशिया स्थित एविएशन कंसल्टेंसी एंडा एनालिटिक्स के प्रमुख सुकुर युसुफ के मुताबिक डैक्सिंग एयरपोर्ट चीन में विमानन बाजार की अभूतपूर्व वृद्धि का परिचायक है। 2020 के मध्य तक विमानन बाजार के मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, वर्तमान बीजिंग राजधानी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहां से एक साल में 10 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 2037 तक चीन में प्रत्येक वर्ष 1.6 अरब उड़ानों का परिचालन होने लगेगा। यह 2017 के मुकाबले 1 अरब ज्यादा होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हो आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। मैं इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।